जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। प्राइवेट एम्बुलेंस चालक पर लगा लापरवाही और कमीशन खोरी का आरोप। आपको बता दें कि 4 अगस्त को करीबन सुबह 10 बजे तीन छात्र स्कूल जाने के लिए एक साथ मोटरसाइकिल में दुर्पा से शिवरी नारायण हायर सेकेंडरी स्कूल जाने के लिए निकले हुए थे। उसी दौरान दुर्पा मोड़ में शिवरी नारायण से केरा रोड की ओर जा रहे ट्रक की चपेट में तीनों छात्र आ गए और तीनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे आनंद फानंद में प्राइवेट एम्बुलेंस को बुलाया गया। दो एम्बुलेंस एक साथ घटनास्थल पर पहुंची और घायल छात्रों को बिलासपुर के लिए लाइफ केयर हॉस्पिटल ले जाने की बात परिजनों ने कहा, लेकिन कहे गए हॉस्पिटल पर खरोद के प्राइवेट एम्बुलेंस के चालक द्वारा मनमानी करते हुए कमीशन के चक्कर में बिलासपुर के लिए रामकृष्ण हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करा दिया, लेकिन वहां गंभीर रूप से घायल छात्र गुरुदयाल यादव सही समय पर सही इलाज नहीं होने के कारण परिजन परेशान हो गए और उसे उसी अस्पताल से डिस्चार्ज कर फिर से लाइफ केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत अभी 15 दिन बीत जाने के बाद भी नाजुक और गंभीर बनी हुई है। इस पूरे मामले में परिजनों का कहना है कि यदि एम्बुलेंस चालक सही समय पर हमारे बताए गए अस्पताल पर लेकर इलाज चालू करवा देता तो होना ही हमें पैसे की बर्बादी भी नहीं होता और सही समय पर सही इलाज हो जाता तो आज ठीक होता। कहीं न कहीं एम्बुलेंस चालक कमीशन के लालच में दूसरे अस्पताल में लेकर भर्ती करा दिया, इस वजह से स्थिति गंभीर है। अब देखना होगा खबर प्रकाशित होने के बाद क्या एम्बुलेंस चालक पर कार्रवाई होगी या फिर मासूम गरीब व्यक्तियों के जेब पर एम्बुलेंस चालक कमीशन के चक्कर में डाका डालते रहेंगे। छत्तीसगढ़ जानकी नगर राज्य भट्ट से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। मोर नाम राकेश कुमार यादव है, मैं दुर्पा के यहाँ। जब हम लोग स्कूल जा रहे तब वही मोड़ में एक्सीडेंट हो गए, तीन जन रहे। ओकर बाद हम लोग हॉस्पिटल मतलब रिफर कर दी, तो वो मिल लेना मतलब सुरखरौद लगी। ओकर बाद ना बिलासपुर से हम ला वहाँ मतलब वह लैसन के हाँ खरौद ले दो ठो एम्बुलेंस में लगी। कौन कौन लगी कामा कामा अलग अलग गोपी और मोला बिलासपुर और गुरुदयाल को वहाँ खरौदे में रही ओला अलग एम्बुलेंस में लगी से अलग दो जन एक रहे ना ओला अलग कर दे रही से गुरुदयाल अलग में रही से अहमद बिलासपुर में रहे ना गोपी किशन और राकेश यादव ओला कौन है लगी से वहाँ अलग हॉस्पिटल में ओला एम्बुलेंस वाला हाँ। तो ओकर बाद अभी ठीक होके कौन कौन आ गया कौन कौन कैसे है अभी अभी यो गुरुदयाल के अभी ओकर गंभीर थोड़ा मतलब और मैं और गोपी किशन आए हैं राकेश और गोपी किशन हॉस्पिटल में है अभी वही हम ठीक है वही में है अभी और पहली मतलब हमारी दूसरा मुँह ओकर बाद यही आ गए फिर हाँ बिलासपुर में आ गए हाँ ठीक हो जा रही थी कैसे माँ कि उमा बढ़िया इलाज भी होत रही सौ कारण ले मतलब ना शुरू वाला उमा आने में भेज रही दूसरा में एक नाम से इलाज हाँ, अगर तीनों झिल्ला एक हॉस्पिटल में रखती तो अभी ठीक हो जा रही थी।